दोस्तों, अगर आप भी सालों से जिम जा रहे हैं और आपको जिम जाते हुए काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन आपकी चेस्ट में ग्रोथ नहीं हो रहा है या शेप में नहीं आ रही है, तो आप जरूर कहीं पे गलती कर रहे होंगे या वही पुरानी एक्सरसाइज कर रहे होंगे। आपको अपनी एक्सरसाइज में वेरिएशन लाना होगा और परफेक्शन से करना होगा, तभी आपकी चेस्ट ग्रोथ होगी और शेप में आएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 चेस्ट एक्सरसाइज फॉर बिग चेस्ट विथ शेप। दोस्तों, वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि हमारी चेस्ट कि कितने मसल्स होती है जिन्हें हमें ट्रेन करना है और कौन से वर्कआउट से कौन सी मसल्स ट्रेन होती है। दोस्तों, चेस्ट की दो मेजर मसल्स होती है, पेक्टोरियल मेजर और पेक्टोरियल माइनर। बाहरी जो मसल्स होती है उसको पेक्टोरियल मेजर कहते हैं और अंदर की जो मसल्स होती है इसको पेक्टोरियल माइनर कहते हैं। हम चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर ले या बेंच पर प्रेस कर ले, हम सिर्फ अपनी पेक्टोरियल मेजर मसल्स को ही ट्रेन कर पाते हैं। केबल फ्लाई एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके पेक्टोरियल माइनर मसल्स को ट्रेन करती है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कआउट नंबर 1। पहला जो वर्कआउट है वो है बारबल बेंच प्रेस। बारबल में वेट डालकर लिफ्ट करने से आप ज्यादा से ज्यादा वेट से आप बेंच प्रेस एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपका पेक्टोरियल मेजर मसल्स ट्रेन होता है और आपकी चेस्ट बाहर की ओर ग्रो करता है। दोस्तों, इसके आपको 4 सेट लगाना है। सेट का जो क्रम रहेगा, पहला आपको 20 का लगाना है, फिर 15, फिर 12 और फिर लास्ट में आपको 10 का लगाना है। जब आप हैवी वेट उठाएंगे तब आपको सिर्फ 10 का ही लगाना है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2, इंक्लाइन बारबल प्रेस। इस एक्सरसाइज में अपनी बेंच का जो एंगल है वो 35 से 45 डिग्री ऊपर की ओर रखें, फिर बारबल में वेट डालकर ऊपर की ओर लिफ्ट करते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। इससे आपका अपर चेस्ट अच्छे से ट्रेन होगा। दोस्तों, इसके भी आपको 4 सेट लगाना है। सेट का क्रम मैंने आपको बता दिया, 20 का, 15 का, 12 का और 10 का। जब आप हैवी वेट उठाएंगे तब आपको 10 का ही लगाना है। अब बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3, वो है डिक्लाइन बारबल बेंच प्रेस। इस एक्सरसाइज में आपकी बेंच का जो एंगल है दोस्तों, वो 15 से 20 डिग्री नीचे की ओर होना चाहिए, फिर बारबल में वेट डालकर ऊपर की ओर प्रेस करते हुए धीरे धीरे चेस्ट के निचले हिस्से तक लाना है। इससे आपकी लोअर चेस्ट अच्छे से ट्रेन होगी। दोस्तों, इसके भी आपको 4 सेट लगाना है और सेट का जो क्रम मैंने आपको बताया, 20 का है, 15 का है और 12 का है और 10 का लगाना। दोस्तों, पहले 3 एक्सरसाइज में आपकी मिडल चेस्ट, लोअर चेस्ट और अपर चेस्ट तीनों चेस्ट अच्छे से ट्रेन होगी। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4, सीटेड चेस्ट मशीन प्रेस। फ्लैट बेंच पर फ्री प्रेसिंग मूव्स मसल्स के लिए अच्छे होते हैं लेकिन मशीन प्रेस से कुछ ज़्यादा फायदा होता है। इस एक्सरसाइज से चेस्ट को स्क्वीज करते हुए अंदर की ओर शोल्डर तक लाना है और इस एक्सरसाइज में इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। इससे आपका चेस्ट अच्छे से ट्रेन होता है। दोस्तों, इसके भी आपको 4 सेट लगाना है, 20 का, 15 का, 12 का और 10 का। एक्सरसाइज नंबर 5, चेस्ट डिप्स। इस एक्सरसाइज को करना थोड़ा कठिन होता है और इस कारण से कई लोग इसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको अपनी हाथों से अपनी बॉडी को लिफ्ट करना होता है। इस एक्सरसाइज से लोअर चेस्ट में शेप आता है। इसे करने के लिए अपने पैरों को पीछे की ओर रखें और जहां तक संभव हो सके झुककर अपनी बॉडी को धीरे धीरे लिफ्ट करें। शुरुआती में चेस्ट डिप्स लगाना कठिन होगा, इसीलिए आप 5 रेपिटेशन को बढ़ाते हुए 10 तक या 15 तक ही पहुंचे। दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 6, इंक्लाइन केबल फ्लाई। इस एक्सरसाइज में आपके पेक्टोरियल माइनर मसल्स ट्रेन होते हैं। चेस्ट की चौड़ाई के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। आपको खड़े होकर आगे की ओर 60 डिग्री झुककर या फिर आप बेंच पर लेटकर भी इस एक्सरसाइज को लगा सकते हैं। बस इस बात को ध्यान रखना है, जब आप वेट आगे की ओर लिफ्ट करें तब अपने हाथों से चेस्ट को दोनों से अंदर की ओर स्क्वीज करना होगा। इसके भी आपको दोस्तों 4 सेट लगाना है। सेट का क्रम मैंने आपको बताया है, 20 का, 15 का और 12 का और 10 का। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7, इंक्लाइन डंबल पुल ओवर। फ्लैट बेंच पर पुल ओवर करना भूल जाइए, क्योंकि इंक्लाइन डंबल पुल ओवर से आपके चेस्ट को अच्छे से आपके चेस्ट की जो फाइबर होते हैं वो ब्रेक होते हैं, जिसके कारण आपको अच्छा शेप मिलता है। इसके लिए आपका बेंच का जो एंगल है दोस्तों, वो 45 डिग्री ऊपर की ओर होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना, आपको अपनी कोहनी यानी एल्बो को ना मोड़े। इसके भी आपको 4 सेट लगाना है। सेट का क्रम मैंने आपको बताया दोस्तों, पहला 20 का, फिर 15 का, फिर 12 का और फिर 10 का। तो दोस्तों, अगर ये 7 चेस्ट एक्सरसाइज आप 16 वीक यानी 3 महीने तक फॉलो करते हैं, अगर इन एक्सरसाइज को आप अपने वर्कआउट प्लान में लेते हैं, तो आपके चेस्ट में ग्रोथ नज़र जरूर आएगा। आपको खुद ब खुद फर्क नज़र होता है
दिखाई देगा, आपकी अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट, लोअर चेस्ट बल्क के साथ गेन होगी और साथ ही साथ कटिंग भी होगी जो पुलओवर एक्सरसाइज को से आपको मिलेगी। दोस्तों सिक्स पैक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक अच्छी चेस्ट का होना, अच्छे शेप में होना जरूरी है। सिर्फ बाइसेप या ट्राइसेप पर ही फोकस ना करें, अपने बड़े मसल जैसे कि चेस्ट हो गया, बैक हो गया, उन पर भी फोकस करें, तभी आपका शरीर चौड़ा हुआ, चौड़ा और बड़ा दिखाई देगा एक बॉडी बिल्डर की तरह। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके अपनी राय बताएं और ये भी कमेंट करें आपकी वीक मसल्स कौन सी है, तो हम उसके ऊपर भी एक अच्छी सी वीडियो लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो देखने के लिए सिक्स पैक माइलस्टोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।